अंसारी को ये बात कहते हुए जब इकबाल अंसारी कहते हैं कि राम लला के विराजमान होने के बाद जो अयोध्या बदला है, उस बदले हुए अयोध्या में मैं आज प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। अगर पूरे अयोध्या में फैजाबाद में किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी थी तो इकबाल अंसारी के परिवार ने ये लड़ाई लड़ी थी। और आज भव्यता को देख के, अयोध्या के पुनर्निर्माण को देख के, वो इकबाल अंसारी के परिवार रामलला विराजमान के साथ साथ आज मोदी के स्वागत में यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये बात कहते हुए मीडिया से है। तो ये देखिए कि नैरेटिव क्या, आपने जो देश को, संस्कृति को आपने एक हाशिए पर डाला, तो जो सबसे पहला लेटिगेट था वो स्वागत के लिए खड़ा है। यह बात इस वोट के और वोट के ये वोट बैंक की सियासत को समझना पड़ेगा कि आप अयोध्या को नहीं नकार सकते, आप श्री राम लला को नहीं नकार सकते, आप बीजेपी से, आपको पीएम मोदी से कोई बैर हो सकता है, लेकिन आपको भारत संस्कृति से बैर करेंगे तो वो दिखेगा। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है और हलचल तमाम है यहाँ पर, लोगों के दिलों में बहुत कुछ है। क्या नजारा नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले चल रही है रही है और प्रधानमंत्री के साथ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ है अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लल्लू सिंह, जो तीसरी बार यहां से जीत की टिकड़ी बनाने के लिए प्रयास बीजेपी के उम्मीदवार। और ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी कितनी प्रसन्नचित हुई होगी जब इन तस्वीरों में दोनों तरफ न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि अयोध्या की आम जनता और यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए लोग जो दोपहर में कह रहे थे कि जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं दर्शन के लिए, रोड शो करेंगे, वो रुक गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितना प्रेम है आम लोगों में, जो इस बदली हुई अयोध्या के जरिए प्रदर्शित हो रहा है, जो इस भव्य जी प्रेम को सामने रखते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश भी दे रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या आए हैं, रामलला के दर्शन के बाद जनता से रोड शो के जरिए मुखातिब हो रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम वो दल हैं, उनके जो शीर्ष नेता हैं, वो अयोध्या आने से बचते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह का संदेश भी है कि देखिए तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं आखिर वो कोई अयोध्या नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि अयोध्या और उसके आसपास की जो सीटें हैं, बगल में गोंडा है, अम्बेडकर नगर है, बस्ती है, बाराबंकी है, इन सीटों पर भी देखें तो निश्चित तौर पर एक तरह से बीजेपी का 2014 से आप प्रदर्शन देखें तो बहुत शानदार रहा है। अम्बेडकर नगर को छोड़कर आप देखें तो बीजेपी के खाते में सीटें आती रही हैं। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि अवध और पूर्वांचल के इस मुहाने की सीट से एक संदेश जाए और उसका जो बीजेपी का जो प्रदर्शन है 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, उस ओर बीजेपी आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर अगले चरणों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोड शो जो आज हम अयोध्या में देख रहे हैं, जिसमें सड़कों के दोनों तरफ फूल वर्षा हो रही है, अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि तमाम कलाकार अयोध्या की संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए, अयोध्या की कला का प्रदर्शन करते हुए, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उत्साहित है अयोध्या की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अपने बीच आकर। और ये संकेत भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर नहीं जाने जाते और जिस विरासत के साथ विकास की चर्चा होती है उसके के तौर पर जाना जाता है, अयोध्या उसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, जहां 500 वर्षों का विवाद खत्म होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो तमाम चुनौतियां पार करते हुए आज हम भव्य राम मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भव्य माहौल जिसमें हमने देखा है कि दुनिया भर में एक बड़े धार्मिक बीजेपी का यह दावा है कि आने वाले समय में जल्दी एक सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के तौर पर अयोध्या स्थापित होगी और उसके संकेत हर दिन आने वाले यात्रियों से, हर दिन आने वाले दर्शनार्थियों से मिल रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ लल्लू सिंह है बीजेपी प्रत्याशी है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए, तो ये भव्य तस्वीरें हैं अयोध्या से। हमने देखा था 22 जनवरी को भव्य तस्वीरें,
और आज ये अयोध्या उत्साह से लबरेज नजर आ रही है, उस रोमांच से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, आसपास के इलाके जो हम जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, कुछ जिलों का आपने जिक्र भी किया, वहां पर कितना बड़ा प्रभाव अब की बार के लोकसभा के चुनाव में पड़ने वाला है राम मंदिर बनने के बाद से, क्या नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर एक आस्था का विषय रहा और बीजेपी लगातार ये कहती रही कि ये उसका एक संकल्प है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, और जब ये कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे तो विपक्ष ये कहता था कि मंदिर लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और अब हम जानते हैं राम के पास हुई है कि वो जो कहती है उन वादों को, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए 100% प्रयास करती है। आप बगल में गोंडा सीट देख लीजिए, जहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी के सांसद है, फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, वो लगातार अगर आप देखें 2019 और 2014 के चुनाव बीजेपी से जीत चुके हैं, उस सीट पर बीजेपी को लगता है कि बहुत फर्क होगा। और केवल आप अयोध्या और उसके आसपास की सीटें नहीं, इस पूरे रोड शो का या फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने देखा है कि वो एक माहौल बना है पूरे देश में जिसमें बीजेपी ये संदेश दे रही है कि देखिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने विरासत को संजोते हुए विकास की ओर आगे बढ़ती है। काशी विश्वनाथ में हमने देखा कि कॉरिडोर का जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ, तमाम हमने धार्मिक स्थलों के पर वहाँ आधारभूत ढांचे में बेहतरीन विकास होते हुए देखा है, तो एक संकेत है कि हम अपनी विरासत को, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अयोध्या तो विकास के लिए चर्चा में है, हमने तमाम लोगों से बात की कि अयोध्या में मुद्दा क्या है, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अयोध्या में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर कितना और कितना तेजी से विकास हो रहा है, जो बदली हुई अयोध्या दिखाई देती है उससे अयोध्या ही नहीं आसपास के तमाम जिले, वहाँ एक सीधा एक तरह से संदेश जाता है। क्योंकि आप देखें अयोध्या आने वाले जो लोगों की संख्या है वो केवल अयोध्या के पड़ोसी जिलों से नहीं बल्कि हम देख रहे हैं पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेशों से कई अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, और यहाँ से अयोध्या की जो तस्वीर है वो अपने जेहन में लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बीजेपी को यह लगता है कि जो एक तस्वीर अयोध्या की, उसके विकास की, उस मॉडल की, जिस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हैं, उसके बड़े क्रम केंद्र के तौर पर बीजेपी अयोध्या को सामने रखती है, उससे जनता निश्चित तौर पर ये मानेगी कि जो संकल्प बीजेपी करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उन संकल्पों को पूरा पर पास की सीटों पर बीजेपी मान जी। बगल में अंबेडकर नगर है जहाँ पर पिछले चुनाव में बसपा ने ये सीट जीती थी, इस बार बसपा के उम्मीदवार बीजेपी में रितेश पांडे और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित तौर पर वो सीट भी बीजेपी मान रही है कि इन चुनाव में उस पर सफलता हासिल होगी। तो ऐसे में क्लीन स्वीप की तैयारी है बीजेपी की, उसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा प्रभु श्री राम जब उनका संघर्ष चल रहा था, जब वो वनवास पे थे, उन्होंने पूरे समूचे भारत का भ्रमण किया, उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से राम मंदिर बना और उसके पहले से जो कवायद हमने देखी उसमें समूचे भारत को यहां से कनेक्ट करने की जो कवायद थी उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और साफ तौर पर दक्षिण